हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आप देख रहे होंगे कि प्री बोर्ड्स के अंदर जितने भी अभी तक आपने एग्ज़ाम दिए हैं या सैम्पल पेपर के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन है ना, वो एज अ केस स्टडी आता है या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है। तो क्या करना है अपने को, जितने भी वैल्यू बेस्ड या केस स्टडी टाइप क्वेश्चन है उनका प्रैक्टिस करना है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, एक मैं ऑलरेडी क्वेश्चन करा चुका हूँ जो सर्कल चैप्टर से रिलेटेड है। अब मैं दूसरा केस स्टडी कराने जा रहा हूँ और ये एरोप्लेन से रिलेटेड है। तो जितने भी मैं वैल्यू बेस्ड या केस स्टडी क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको प्लीज़ वन बाई वन लगाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको टाइम टू टाइम सारे केस स्टडी मिल सके। तो देखिए इस केस स्टडी के अंदर क्या है, एक एरोप्लेन है, उस एरोप्लेन में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो लेट हो गया। कितने आर लेट हो गया, 1 आर। मतलब अगर उसको फॉर एग्ज़ाम्पल इवनिंग के 4 PM उसको उड़ना था तो वो 4 PM नहीं उड़ेगा, कितने बजे उड़ेगा, 5 PM, मतलब 1 घंटा लेट उड़ेगा वो। क्लियर, फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं, इसको थोड़ा फिगर से बनाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका हो गया एयरपोर्ट, तो ये मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, एयरपोर्ट बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर कोई एक पैर ऐसा है बढ़िया सा, आप क्या बना दीजिए, एरोप्लेन बना दीजिए। क्लियर, अब ये एरोप्लेन यहाँ से उड़ना चाहिए लेकिन ये टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं उड़ पा रहा है, 1 घंटा लेट उड़ेगा ये। क्लियर, फिर क्या होता है, फ्रॉम इट्स स्टार्टिंग पॉइंट द पॉइंट डिसाइडेड टू, अच्छा द पायलट पॉइंट नहीं, कौन है ये पायलट, पायलट डिसाइडेड टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। क्या भैया, पायलट तो बहुत बढ़िया है, यहीं पर वैल्यू बेस्ड बनना है। ये पायलट क्या कर रहा है, पैसेंजर का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी 1 घंटा लेट हो चुका है। तो उस टाइम को, 1 आवर को कवर करने के लिए बताइए क्या करेगा, ये बताइए क्या करेगा। अगर आप कहीं जा रहे हो गाड़ी से और लेट हो गए हो और तुम्हें बिल्कुल सेम वही टाइम पर पहुंचना है तो आप क्या करेंगे, मुट्ठा घुमा देंगे, हैं, रेस बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, तो वो प्लेन की भी रेस बढ़ा देगा, है ना, स्पीड बढ़ा देगा। तो कितनी स्पीड बढ़ा देगा वो, 100 किलोमीटर पर आवर। लेकिन पहले कितनी स्पीड है ये नहीं मालूम है अपने को, समझ में आ रहा है, फील करो आप प्लेन के अंदर बैठे हुए हो। क्लियर, और आपको यहाँ से शारजा जाना है या दुबई जाना है। क्लियर, और आपको वहाँ पहुँचना है फॉर एग्ज़ाम्पल 3 घंटे में या 4 घंटे, मान लो 4 घंटे में पहुँचना है, लेकिन 1 घंटा पहले ही आप लेट हो गए हो तो आपके पास कितना टाइम बचा, 3 घंटे बचे, क्योंकि 1 घंटा पहले ही लेट हो गए ना। तो 3 घंटे के अंदर वही डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस है, 1200 किलोमीटर, ये डिस्टेंस तुम्हें क्या करना पड़ेगी, कवर करना पड़ेगी। देखिए जब तक आप इसे प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं उतारेंगे ना तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। आप खुद सोचिए, मान लो आपने दुबई की फ़्लाइट ली, तो दुबई मान लो इंडिया से कितना दूर है, 1200 किलोमीटर है। क्लियर, अब यहाँ से दुबई तक पहुँचने में 4 आवर्स लगते हैं। क्लियर, अब 1 घंटा तुम पहले ही लेट हो चुके हो, जब 1 घंटा पहले ही लेट हो चुके हो तो तुम्हारे पास कितने आवर्स हैं, 3 आवर्स हैं, बराबर, और तुम्हें पहुँचना टाइम पर ही वहाँ पर। क्लियर, तो जैसे 4 PM अगर फ़्लाइट उड़ेगी तो 8 PM पहुंचना है, तो 4 से 8 बजे तक का टाइम है आपके पास, लेकिन 1 घंटा पहले ही लेट हो चुके हो तो कितने बजे उड़ोगे आप, 5 बजे उड़ोगे, तब भी पहुंचना कितने बजे ही है आपने को, 8 PM, तो क्या करोगे आप, स्पीड बढ़ा दोगे, किसकी, प्लेन की। तो कितनी बढ़ा दी स्पीड, 100 किलोमीटर पर आवर, समझ में आ रहा है, दिमाग में फंस रहा है, बिल्कुल फंसना चाहिए। तो देखिए वो पूछ रहा है कि फाइंड द यूजुअल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, एरोप्लेन की यूजुअल स्पीड बताना है। क्लियर, तो भैया स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहाँ पर टाइम का ही लोचा है, 1 घंटा बर्बाद कर दिया उसने टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर वो यूजुअल स्पीड से चलेगा तो वो टाइम एक्चुअल वाला कवर करेगा, तो अपने को पहले यूजुअल स्पीड मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, लेट एक्स बी द यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन, एरोप्लेन की ये क्या है, यूजुअल स्पीड है। सो देयरफॉर टाइम टेकन बाय द एरोप्लेन है, तो इसे T1 मान लो टाइम को, तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी कवर करना है, 1200, और स्पीड कितनी, x, ये आपका एक्चुअल टाइम हो गया। मान लो 4 घंटे हो गया, ये 4 घंटे में अपने को दुबई पहुंचना था,
लेकिन हमारे पास अब 4 घंटे नहीं, कितने घंटे, 3 घंटे हैं। तो 3 घंटे में उतने ही डिस्टेंस कवर करना है, तो आप क्या बढ़ा दीजिए, स्पीड बढ़ा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए ये प्लेन मान लो उड़कर यहाँ पहुँच गया ए पर, बराबर, और कितने किलोमीटर चलना है इसको, 1200 किलोमीटर, क्लियर। तो पहले कितने की स्पीड से चल रहा है, एक्स के, और अब वो लेट हो गया है तो कितने की स्पीड से चलेगा, एक्स प्लस 100 की। तो अब क्या लिखेंगे, नाउ ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम, नाउ ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम स्पीड ऑफ प्लेन कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस 100 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तब उस केस में टाइम टी टू, इससे तो कम ही टाइम मिलेगा, हाँ, कितना होगा, स्पीड इज इक्वल, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बराबर। तो ये 3 घंटे में पहुंचा देगा इसको, क्योंकि 1 घंटा पहले क्या हो चुका है, लेट हो चुका है। तो बताइए यहाँ टाइम ज़्यादा लग रहा है और यहाँ टाइम कम लग रहा है, तो टाइम का गैप कितना है, टी वन माइनस टी टू, 1 आवर का। आ रही बात समझ में, अगर यूजुअल टाइम पे चलता तो टाइम ये लेता, लेकिन वो 1 घंटा लेट हो चुका है, तो उसको कवर करने के लिए स्पीड क्या कर देगा, वो बढ़ा देगा, तो स्पीड बढ़ाने से टाइम कम हो जाएगा, क्लियर। तो ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम, कितने घंटे का गैप है, 1 आवर का गैप है। हाँ जी बताइए कैसे सॉल्व करेंगे, टी वन कितना है, 1200 अपॉन एक्स, और ये कितना है, 1200 अपॉन एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 1। यहाँ से 1200 कॉमन आ गया, तो कितना बचा, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 100 इज इक्वल टू 1। तो इधर एलसीएम लेंगे और 1200 नीचे आ जाएगा, तो कितना एलसीएम आएगा, एक्स एक्स प्लस 100, तो इधर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 100 माइनस एक्स, एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। फील आ रहा है, जा रहे हो ना, तो भाई मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 100x का 1 से करेंगे तो यही आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200 के आगे 2 जीरो और लगा लीजिए, तो कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 120000 इज इक्वल टू किसके बराबर, 0। तो 120000 के ऐसे फैक्टर जिसका डिफरेंस कितना है, 100 है, तो आप 400 और 300 ले लीजिए, क्योंकि 4 3 12 होता है ना, देखिए 400 × 300, तो 2 0 2 0 इसके आ गए, और 4 3 कितना हो गया, 12, देखो वही नंबर आ रहा है, 400 में से 300 माइनस करूँगा तो कितना बचेगा, 100 बचेगा, तो ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 300x माइनस 120000। यहाँ से x कॉमन ले लो, तो x प्लस 400 माइनस 300 कॉमन ले लो, तो x प्लस 400 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 400 कॉमन आ जाएगा और कितना बचेगा, x माइनस 300 इज इक्वल टू 0। तो इधर x प्लस 400 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 300 इज इक्वल टू 0, तो स्पीड देखो नेगेटिव नहीं होगी यहाँ पर, तो ये नंबर इनवैलिड हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया, 300, तो उसकी यूजुअल स्पीड कितनी थी, 300 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसका वेरिफिकेशन देख लीजिए कि ये आंसर सही है या नहीं है, तो देखिए अगर वो यूजुअल टाइम पे चलता तो 1200 को वो कितने की स्पीड से कवर करता, 300 के, तो 4 घंटे लगते हैं। देखो एग्जांपल भी मैंने सही दिया था, दुबई जाने में 4 घंटे लगते हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या कर दिया, लेट हो गया 1 घंटा, तो स्पीड बढ़ा दी, स्पीड क्या कर दी, बढ़ा दी, तो स्पीड कितनी हो गई, 300 थी, 300 में 100 और जोड़ दी, कितनी हो गई, 400, ये कट जाएगा, तो कितने घंटे, तो 3 घंटे में वो डिस्टेंस को क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। मन में लड्डू फूटा, चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ठीक है। अब देखिए, अब उसने पूछा है कि व्हाट वैल्यू और क्वालिटीज़ ऑफ द पायलट आर रिप्रेजेंटेड इन द क्वेश्चन। साफ दिख रहा है यार, वो पैसेंजर का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, है ना, और पंक्चुअल है, वो तो अपने टाइम पर आया था, जब प्लेन ही ख़राब था तो क्या करता वो, घंटा, आप घंटा दबा दीजिए, ठीक है, घंटे से याद आया, तो बताइए क्या होना चाहिए, एक तो पंक्चुअलिटी होना चाहिए कि वो पंक्चुअल है अपने टाइम पर, ठीक है, और दूसरा लीडरशिप होना चाहिए कि वो लीड कर रहा है हर चीज़ को, तो लिख लीजिए यहाँ पर, मैं बोल देता हूँ, देखो द क्वालिटीज़ ऑफ द पायलट आर लीडरशिप एंड पंक्चुअलिटी, लिख लो। सेकेंड का, द क्वालिटीज़ ऑफ पायलट आर
लीडरशिप एंड पंक्चुअलिटी, एंड पंक्चुअलिटी। ठेणे 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 ठेणे। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।